नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। स्कूल खुलन के बावजूद भी स्कूलों में पढ़ने लिए नहीं पहुँचे बच्चे, हिदायतों और शर्तों को लेकर भी मैनेजमेंट को पेश आ रही हैं मुश्किल। दस दिए कि पंजाब सरकार वालों नौवीं तो लैके बारहवीं जमात तक के स्कूल खोले गए हैं, हिदायतें जारी कर दी गई सन, जिसके चलदे 19 अक्टूबर सवेरे 8:30 तो लैके 2:30 बजे तक स्कूल खोलन हिदायतें दित्तियां गई सन, जिसके चलदे साडी टीम ने जब सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बटाला अते कुछ निजी स्कूलों का जायजा लिया तो स्कूल के मैनेजमेंट अते प्रबंधकों ने जानकारी दिंदिया होया दस्सिया कि पंजाब सरकार दीआं हिदायतां दे मुताबक नौवीं तो बारहवीं तक के बच्चों ने स्कूल में पढ़ाया जाना है, जिसके चलदे असी हिदायतों के अनुसार सारिया ही तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई। उन्होंने दस्सिया कि पैर नाल चलन वाले सैनिटाइजर मशीनों के इलावा हर कमरे में जिते क्लासा लगनिया हैं सोशल डिस्टेंस का भी इस्तेमाल का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन उन्होंने दस्सिया कि ना कि बच्चे बहुत घट आ रहे हैं, क्योंकि साढ़े को 9 से 12 बजे तक 300 के करीब विद्यार्थियों ने आना सी, पर स्कूल खोलन के बावजूद भी बहुत घट तादाद बच्चे स्कूल में पढ़ने लिए पहुँचे हैं। उन्होंने दस्सिया कि ज़्यादा मुश्किल माँ बाप की लिखती हिदायत के कारण सामने आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बच्चे जड़े आ माँ बाप इन्हों लिखती रूप में स्कूलों में पढ़ने लिए भेजेंगे। उन्होंने ये भी दस्सिया कि उत्थे स्कूल में ये भी आस है कि बच्चे जरूर पढ़ने लिए आएंगे। उन्हों का यह भी कहना सी कि स्कूल खुलने लैके सरकार ने जो भी स्कूल प्रबंधकों नू ध्यान रखने लिए कहा गया सी, वह सारे ही प्रबंधकों वालों पूरे किए गए हैं। स्कूल में आए अध्यापकों का कहना है कि स्कूल में खुलने लैके सरकार का फैसला ठीक है, लेकिन सारे कोरोना नू देखते हुए हिदायतों का पालन करना भी बहुत जरूरी होगा। देखो इंसाफ टीवी ते ब्यूरो दीपक सैनी नाल पत्रकारां दी खास रिपोर्ट। इंतजाम तो एसओपी के मुताबिक सारे कर रहे हैं, एक दो चीज़ों में छोड़ के बाकी सारे शर्तें लगभग एसओपी दी लागू कर दी स्कूल से, जो भी मशीन सैनिटाइजर दियाँ पानी वाले जो भी चाहिए असं प्रबंध कर लिया। बट कितने ना कितने ढिल यह रह गई सी कि सरकार ने पूरा प्रॉपरली सहयोग नहीं दिता। पहला 15 नूं भी नहीं खुले स्कूल, फिर उहदे विच थोड़ा जिहा सकत्तर दा ते एजुकेशन मंत्री दा थोड़ा डिस्प्यूट होने करके टाइम फिर वध गया, तो 19 दा उन्होंने कहा कि पेरेंट्स नूं प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाए, ना ही पेरेंट्स साढ़े नाल सहयोग कर पाए, ना पूछ पाए कि कदों खुलना। अज थोड़ा जिहा उहदी कमी रह गई, जिहदे करके इस टाइम प्रॉपरली नहीं आ पाई। 9वीं तों लैके 12वीं तक स्कूल खुले ते किन्ने बच्चे ने स्कूल च? लगभग 300 के करीब स्ट्रेंथ है मेरे को, 30 बच्चों की कंसेंट हले तक आई है, तो देखो हौली हौली किस तरह बनेगा। अज तो स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी सी। स्कूल किस तरह सैनिटाइज किया गया? सारा स्कूल सैनिटाइज कर दिता सर, और डिसइनफेक्ट भी करवाया उसके बाद, और जो वाटर टैंकी है वो मतलब साडा आर ओ वगैरह का भी सारा असं सर्विस वगैरह करा सर प्रॉपरली, और रूम्स में भी प्रॉपरली धोआ के सैनिटाइज करवाया, जिद कि 7 महीने बंद रहने करके काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। देखो एस ओ पी के नियम तो ठीक ने, जो सरकार सोचेगी भले लिए सोचेगी, बट कई चीज़ा ऐसा ने जिन्हों का मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे कौन देगा खर्चन लिए, या तो गवर्नमेंट उन्होंने इस टाइम लिए पैसे भी दे, और गवर्नमेंट स्कूलों में पेमेंट करती है तो फिर ये दूसरा सोचना पेगा, इतने भी बच्चे उन्होंने ही ने, सरकार उन्होंने है, तो बच्चे इतने भी पंजाब के रहने वाले ने, तो लगभग गवर्नमेंट को चाहिए ये कुछ ना कुछ फंड रिलीज़ करे स्कूलों दे, जो जो भी फॉर्मेलिटीज रह भी जान वो पूरी हो। किन्ने बजे स्कूल लगा सीगा, किन्ने बजे तक स्कूल? 9 से 12 बजे। सरकार दी हिदायतों के अकॉर्डिंगली जो सरकार ने सानू हुक्म दिए हैं उन्हां दा नियमां दी पालना करते हुए असी स्कूल ओपन कर दिते हैं। स्कूल दे विच सैनिटाइजर फुट सैनिटाइजर का प्रबंध है, बच्चों नू मास्क लगा के आने लिए कहा गया, तो सोशल डिस्टेंसिंग नू पूरी तरीके नाल मेनटेन रखते हुए असी बच्चों विद्या देन जा रहे हैं। किन्ने टोटल बच्चे ने 9वीं से 12वीं तक तुहाडे कोल इत्थे स्कूल दे? साडे कोल 9वीं से 12वीं तक लगभग 550 विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहा है। पहले दिन साढ़े को 9वीं क्लास के विद्यार्थी 4 विद्यार्थी आए हैं, तो उम्मीद है कि अगों भी बहुत विद्यार्थी आए। टीचर स्टाफ कितना?
साढ़े को टीचर लगभग 46-47 मैंबर है। कितने कोई मुश्किल दिक्कत आती दिखाई दे रही क्योंकि 550 विद्यार्थी केवल 4 ही आने पहले दिन कितने दिक्कत आ रही है। सो असी ऑलरेडी ही जो सरकार के नॉर्म्स अकॉर्डिंगली मल्टीमीडिया राही विद्यार्थियों विद्या दे रहे हैं। वो जो विद्या दी जा रही है उन्होंने बच्चों का सर्वपक्षी विकास हो रहा है, पर जो विद्यार्थी गैट फेस टू फेस आएंगे उन्हों का होर भी मनोबल वधेगा। सो इस मुद्दे नज़र थोड़े ही दिनों के सानू इस दे सार्थक रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अज फस्ट डे है, मैं उम्मीद करता हाँ कि आने वाले दिनों के वो विद्यार्थी स्कूल आन के अपने पेरेंट्स की कंसेंट लैके आएंगे तो इस चीज़ का बेनीफिट लेंगे। लगता है कि फिलहाल थोड़ा इन्हें पेरेंट्स जड़े ने इस चीज़ तो झिझकते हो।